नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। बीते कुछ दिनों में चमोली में बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। वहीं बुधवार को जिले में अलकनंदा नदी के तट पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां ट्रांसफॉर्मर फटने के कारण करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में लोगों की मौत के संबंध में जानकारी चमोली SP ने दी है। इस घटना में 7 लोग घायल हैं, इसमें 2 की हालात गंभीर बताई जा रही है। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस बीच चमोली में बुधवार को अलकनंदा नदी के किनारे एक ट्रांसफॉर्मर फटने के कारण करीब 15 लोगों की मौत फिलहाल बताई जा रही है। उन्होंने बताया है कि चमोली जिले के अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफॉर्मर फटने से लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हैं। जानकारी के अनुसार इस हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, अभी इन सभी का इलाज जारी है। वहीं उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हादसे में चौकी प्रभारी की भी मौत हो गई है। चौकी इंचार्ज बद्रीनाथ हाईवे पर तैनात थे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।